बीन्स की सब्ज़ी तो आपने कई तरह की बनाई होगी, लेकिन आज मैं जो आपको तरीका बताऊंगी बीन्स करी बनाने का, वो एकदम नया तरीका होगा, एकदम अलग होगा और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा, आप भी इस तरह से बना पाएंगे। हेलो एवरीवन, मैं हूँ सोना। मेरे यूट्यूब चैनल ऑसम फूड विद सोना में आप सबका स्वागत करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने पहले से ही कुछ बीन्स धुलकर छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिए थे, तो इस तरह से आपको भी कट कर लेना है। तो अभी क्या करेंगे, हम गैस पर एक कढ़ाई चढ़ाएंगे और उसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। तो जब हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो यहाँ पर गार्लिक डालेंगे। आपको चॉप्ड गार्लिक डालना है, बहुत ज़्यादा पीसना नहीं है। और जब ये भुन जाएंगे तो यहाँ पर राई डालेंगे, और राई जब चिटक जाएगी तो अपने सारे ही बीन्स इसमें ऐड कर देंगे। और लगभग 1 से 2 मिनट तक आपको चलाना रहता है ताकि जो ये बीन्स हैं ये थोड़े से नरम हो जाए। तो अभी हम क्या करते हैं कि इसी स्टेज पर सारे ही मसाले ऐड कर देंगे। तो हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, काली मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और कसूरी लाल मिर्च, ये सारे ही मसाले ऐड करके लगभग 1 से 2 मिनट तक आपको भूनना रहेगा। आपको बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है क्योंकि ये सूखे मसाले हैं, अगर आप ज़्यादा देर तक भूनेंगे तो ये जल जाएंगे। तो बस हमारे मसाले हो चुके हैं अच्छे से। तो अभी यहीं पर हम सॉल्ट ऐड करेंगे, और सॉल्ट ऐड करने के बाद में थोड़ा सा हॉट वाटर ऐड करेंगे। आपको ध्यान रखना होगा कि कोल्ड वाटर बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है, हॉट वाटर ही ऐड करना होगा। और वाटर ऐड करने के बाद में थोड़ा सा चलाएंगे और बस इसको लगभग 4 से 5 मिनट के लिए कुक होने के लिए छोड़ देंगे। तो जब तक कि ये हमारी बीन्स थोड़ी सी कुक हो रही हैं, तब तक हम अपना दूसरा काम करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल में 1 बड़ा चम्मच बेसन लिया हुआ है, और थोड़ा सा कर्ड लेंगे। आप कर्ड बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे और बहुत खट्टा नहीं लेंगे, हल्का सा खट्टा लेंगे। और यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्ट डालकर, पानी डालकर इसका बहुत ही अच्छा स्मूथ पेस्ट तैयार करेंगे। आपको ध्यान रखना होगा पेस्ट बनाते टाइम कि गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए। ये देखिए छोटी छोटी सी गुठलियाँ जो दिख रही हैं, उनको मैं फोड़ते हुए और अच्छा सा पेस्ट तैयार कर रही हूँ। इसी तरह से आपको भी तैयार करना है। तो अभी थोड़ा सा थिक लग रहा है पेस्ट, तो मुझे जो ये पेस्ट है वो थोड़ा सा पतला बनाना है। तो जब ये बीन्स के साथ कुक होगा तो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा, इसीलिए हमें इस स्टेज पर पतला ही रखना होता है। तो चलिए हम अपनी बीन्स चेक करते हैं। तो देखिए हमारी बीन्स बहुत ही अच्छे तरीके से पक चुकी हैं और एकदम मुलायम हो चुकी हैं। तो चलिए हम यहाँ पर ये सारा ही बैटर अपना डाल देंगे, जो भी हमने दही और बेसन का बनाया हुआ था। तो इस तरह से आप जब भी बीन्स बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये आप चपाती के साथ या चावल के साथ किसी के साथ भी खाएंगे। तो हमने यहाँ पर बैटर डालने के बाद में थोड़ा सा पानी ऐड किया हुआ है। तो जब भी आप पानी ऐड करेंगे तो आपको ठंडा पानी बिल्कुल नहीं ऐड करना है, आपको गर्म पानी ऐड करना है। तो अभी हम यहाँ पर लगभग 5 से 7 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। तो अभी देखिए हम चेक करते हैं, 5-7 मिनट हो चुके हैं और हमारी करी एकदम मस्त बन चुकी है। ये देखिए बहुत ही बढ़िया कंसिस्टेंसी में है, ना ज़्यादा गाढ़ी है ना ज़्यादा पतली है। तो अभी हम यहाँ पर करी पत्ता डालेंगे, और करी पत्ता डालने के बाद में थोड़ी सी कसूरी मेथी भी डालेंगे ताकि जो करी है हमारी और भी ज़्यादा फ्लेवरफुल हो जाए। आप कसूरी मेथी स्किप भी कर सकते हो अगर आपको नहीं पसंद है तो, वैसे कसूरी मेथी तो सभी को पसंद होती है। तो अभी हम हींग का तड़का और लगाएंगे, तो ये आप ज़रूर कीजिएगा, इससे हमारी करी जो है वो बहुत ही फ्लेवरफुल बनती है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि इसी तरह की और भी रेसिपीज़ आप तक पहुँच सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।